हाय एवरीवन, माय नेम इज सैक अफजल और आज हम करने जा रहे हैं वीवो एक्स 80 का अनबॉक्सिंग, जो कि बहुत ही फ्लेक्सी फोन और बहुत ही प्रीमियम फोन दिया हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं। तो इसके अंदर आपको मिलेगा पहले तो डिवाइस को निकाल लेते हैं। एसेसरीज मिलने वाली है जो कि अभी कुछ कॉम्पिटिशन में नहीं आ रही है, बट वीवो में दिया हुआ है 80 वोल्ट का चार्जर, डॉक, पीछे देखते हैं केबल एंड दिस इज द केबल भी आपको मिल जाएगा और ईयरफोन, मतलब चार्जर के साथ ईयरफोन भी आपको मिलने वाला है, वो भी आपको अलग से परचेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है वीवो की कि वीवो ने एसेसरीज दिया हुआ है, फुल किट दी हुई है, साथ में ईयरफोन देख के बड़ी खुशी हुई कि ईयरफोन भी दिया हुआ है। देखते हैं ईयरफोन इसलिए ओपन कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको बता दूँ कि ईयरफोन आपको मिलने वाला है टाइप सी, आपको इसमें कन्वर्टर या जैक की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, आप डायरेक्टली अपना ईयरफोन यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर क्या दिया हुआ है बॉक्स के अंदर, वो कवर केस, सिम टूल किट, कवर केस काफ़ी बेहतरीन दिया हुआ है। अभी हमने एसेसरीज़ को देखा, अब हम बात करेंगे इस डिवाइस की। इस डिवाइस में काफ़ी बेहतरीन डिज़ाइन दी गई है, यहाँ पे आपको मिल जाता है एक ग्लास फिनिशिंग मिल जाएगा और साइड पर मेटल मिल जाएगा और कैमरे का प्लेसमेंट देखेंगे तो क्लाउड 2.0 पर ये जो डिज़ाइन है वो बेस्ड की हुई है, ये देखिए। और आगे आपको मिल जाएगा 6.785 एमोल डिस्प्ले के साथ साथ आपको इसका 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, जिसके साथ आपको टच रिस्पॉन्स जो मिलता है वो 240 का है। आपको गेमिंग में काफ़ी हेल्प हो जाएगी, अगर टच रिस्पॉन्स ज़्यादा है तो आपको गेम खेलने में ज़्यादा मज़ा आएगा। इसके साथ ही इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट दिया हुआ है और इसमें आपको मिल जाएगा साथ ही में इसके जो नीड्स दिए हुए हैं वो मैक्सिमम 1500 दिए हुए। तो बात करते हैं इस फ़ोन की हाइलाइट्स की। इसकी जो सबसे बड़ी यूएसपी है, इसमें दिया हुआ है आपको जाइस की स्टार कोटिंग दी हुई है, जाइस का लेंस यहाँ पर यूज़ किया हुआ है कैमरे में, जो कि जो आप फोटो लेते समय जो आपकी लाइट आती है, जो एक्स्ट्रा लाइट्स आती है वो उसे कंट्रोल करता है और आपको काफ़ी क्लियर इमेज देता है। अगर आप दिन में ले रहे हैं या फिर रात में अगर आप फोटो इसका क्लियर कैप्चर कर रहे हैं तो कोई भी टाइम पर आप फोटो ले रहे हैं आपको एक बेहतरीन फोटो मिलता है, एकदम क्लियर इमेज आपको इसमें मिलेगा। और सेकेंड चीज़ इसकी ये है कि जाइस टीस्टर के जो लेंस है उसकी वजह से आपको इसके काफ़ी पोर्ट्रेट यूज़ करने को मिल जाते हैं। ये हुई डिज़ाइन की बात, बट अगर इसके कैमरे की बात करें तो हर बार की तरह वीवो भी कैमरा इस बार सुपर दिया हुआ है। वीवो ने इसमें तीन कैमरे, रियर कैमरा आपको ट्रिपल सेटअप रियर कैमरा मिल जाता है, इसमें आपको 50 मेगापिक्सल का मिल जाएगा, जिसके साथ सोनी का IMX866 का सेंसर यूज़ किया हुआ है। सेकेंड कैमरा आपको 12 मेगापिक्सल का मिलेगा, जिसमें भी IMX663 के सेंसर यूज़ हुआ है और ट्रिपल कैमरे के अंदर भी 12 मेगापिक्सल दिया हुआ है, जिसके अंदर सोनी का IMX633 सेंसर यूज़ हुआ है। यानी तीनों कैमरे में आपको सेंसर मिलने वाले हैं। ये रहे कैमरा के मेगापिक्सल्स, 50 मेगापिक्सल का कैमरा दिया हुआ जो कि आपका मेन कैमरा होने वाला है, 12 मेगापिक्सल वाइड एंगल के लिए आप यूज़ कर सकते हो, काफ़ी जो ग्रुप फोटोज़ है या तो कोई लोकेशन के फ़ोटो है वो आप ले सकते हो। और जो थर्ड कैमरा है 12 मेगापिक्सल का, वो दिया हुआ है पोर्ट्रेट कैमरा, वो पोर्ट्रेट कैमरा होगा जिसकी मदद से काफ़ी बेहतरीन आप फोटोग्राफ ले सकते हो। बात करते हैं फ्रंट कैमरे की, तो फ्रंट कैमरे में आपको मिल जाएगा 32 मेगापिक्सल का। तो अब बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस की। परफॉर्मेंस काफ़ी धास होने वाली है, क्यों? क्योंकि इसमें दिया हुआ है आपको 80 वोल्ट का फ्लश चार्जर जो आपके फ़ोन को काफ़ी जल्दी चार्ज कर देगा। इसकी बैटरी दी हुई है 4500 mAh की बैटरी दी है इसमें, 4500 mAh की बैटरी आएगी। और इसकी प्रोसेसर की हम बात करें तो इसमें आपको मिल जाता है 3.05 GHz का डायमेंसिटी 9000 का प्रोसेसर आपको मिलेगा ओक्टा कोर, जो कि 4 नैनोमीटर की चिपसेट के साथ दिया हुआ है। और एक काफ़ी यूनिक बात, यूनिक चीज़ है कि वीवो ने इस बार जो दिया हुआ है V1+ चिप भी दी हुई है साथ में, एक अलग से V1+ चिप दी हुई है, जिसका बेनिफिट ये होगा कि आपको जब आपकी कैमरे की जो फोटोज़ है, जो वीडियो की क्वालिटी है, उस वो आपको इन्हेंस होकर मिलेगी, उसकी जो ब्राइटनेस है वो काफ़ी अच्छी आने वाली है। और इसी के साथ आप अपना जो गेमिंग है वो हाई FPS पर खेल सकते हैं। इसमें आपको एंड्रॉइड वर्जन जो मिलने वाला है वो मिलेगा आपको एंड्रॉइड 12 और फ्रंटच OS 12 दिया हुआ है। इसमें लिक्विड कूलिंग इंजन भी आपको मिलेगा जो आपके फ़ोन को हीट होने से बचाएगा। इसमें दो वेरिएंट है, एक आ गया आपका 8128 और दूसरा आएगा 12256। तो दोनों ही फ़ोन में आप रैम एक्सटेंड कर सकते हैं, 4 GB तक आप अपना रैम बढ़ा सकते हैं।
इसके अंदर आपको कलर की बात करें तो दो कलर मिलेंगे इसमें, आप मिलेगा एक कॉस्मिक ब्लैक जो कि अभी आप देख सकते हैं, और सेकेंड आपको जो मिलेगा वो मिलेगा आपको अर्बन ब्लू।